शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरे लाख मना करने के बावजूद टूटे हुए रिश्ते को निभा रही थी मेरी बेटी, और देखो अंजाम क्या हुआ। तुम्हें आने के बजाय उसे ढूंढना चाहिए था ना। मैं यहाँ पर आकर अपना फर्ज ही निभा रहा हूँ। मेरे घर से यहाँ तक का फासला 5 किलोमीटर का है। यस सर। और यहाँ तक आने के लिए 3 रास्ते आते हैं। कल शाम से लेकर अभी तक का हर एक रास्ते का CCTV फुटेज निकलवाओ। यस सर। सर, कहीं ये जग्गू के साथी रमन का काम तो नहीं है, क्योंकि कल ही वो बेल पर छूटा है। बोल, कहाँ है मेरा बेटा? बोल, मेरी बीवी कहाँ है? ये सब कुछ रमन ने करवाया ना? बोल, बोल, बोल! मैंने कहा था ना, हमसे पंगा मत लो, महंगा पड़ेगा। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। सर, सर पूछताछ से पता चला है कि दिव्या जिस ऑफिस में काम करती थी, वहां एक और आदमी काम करता था जिसका नाम है निर्मल। कुछ दिनों से इन दोनों के बीच नजदीकी संबंध चल रहे थे, वो उसके घर भी जाता था। और कोई बात? सर, लोगों में यह भी अफवाह है कि खुद शारदा ने ही अपने बेटी और प्रियांशु को कहीं भेज दिया है, या फिर दिव्या खुद अपने बेटे को लेकर कहीं भाग गई है। सॉरी सर। CCTV का कोई सोर्स मिला? जी हाँ सर, ASI गीता उसी पे काम कर रही है। निर्मल आता जाता था, दिव्या से शादी भी करना चाहता था, लेकिन दिव्या को टूटे हुए रिश्ते में उलझ के जीने की आदत पड़ गई थी। जल्दी से उसे तलाशो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा। The number you are trying to call is currently switched off. सर, यहाँ से निर्मल और वहां से दिव्या मैम दोनों गायब हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? एक काम करो, निर्मल और दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उनके बैंक अकाउंट को ट्रैक करो। अगर वो दोनों एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन होगा और उससे हमें पता चल जाएगा। सर, मीडिया में मुद्दा गर्म है, हो सकता है हमें इससे कुछ मदद मिल जाए। अपने सभी खबरी को एक्टिवेट करो, दिव्या और प्रियांशु की फोटो हर जगह हर पुलिस स्टेशन पे फ्लैश करवाओ, सारे चेक पॉइंट की CCTV चेक करो। ओके सर। नमस्कार, मैं सरीन श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी खबर है पुलिस इंस्पेक्टर अमित वर्मा की पत्नी दिव्या वर्मा, जो कि अपने 5 साल के बेटे प्रियांशु के साथ 2 दिनों से गुम है, जिसका अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस केस की तश्तीश कर रही है और खुद अमित वर्मा इस केस को हैंडल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके कई क्रिमिनलों के साथ दुश्मनी है, इसी दुश्मनी के चलते उन पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है। उनकी पत्नी और बच्चे के गुमशुदगी की कड़ी को इस दुश्मनी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। पुलिस का यही कहना है कि अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो नजदीकी थाने पर जाकर संपर्क करें और स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सर, यही वो जगह है, यही का खबरी ने पता बताया था,
और उसने कार खुद भी देखी है यहाँ। बोलिए गाड़ी तेरे पास कैसे आई? सर सर ये कार पंतनगर की पीछे वाली गली में खड़ी हुई थी और सर मैंने काफी देर इंतजार किया वहाँ पर, जब कोई नहीं आया तब मैं इस कार को लेके आया यहाँ पे। कौन मेरी बीवी का है? सर सर मेरा बच्चा का है। कौन? ठीक है लेकर सर 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 प्रियांशु का पता चल गया, पीसीआर में किसी अंसारी नाम के आदमी का फोन आया था, वो प्रियांशु को लेकर आ रहा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ बेटा? मामा कहाँ है? बोलो प्रियांशु। मामा, मामा। बच्चा सदमे में है साहब, मामा मामा के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। कहाँ मिला तुम्हें? ये मुझे बड़ी सड़क के किनारे रोते हुए मिला था, कुछ बोलता ही नहीं था, इसीलिए मैं अपने साथ अपने घर ले गया। अमित वर्मा की पत्नी दिव्या वर्मा, जो कि अपने 5 साल के बेटे प्रियांशु के साथ 2 दिनों से गुम है। न्यूज में मैंने इसके गायब होने की खबर सुनी तो मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया और इसे यहाँ ले आया। हेलो, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो बिना सवाल पूछे अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो, पर हाँ इसकी जान और इज्जत की कीमत मैंने 5 करोड़ रुपए लगाई है। कौन बोल रहा है? कौन है तू? अगर किसी को भी बताया ना या थोड़ी सी चालाकी करने की भी कोशिश की ना तो ये वीडियो सारी दुनिया में फैलेगा, समझे ना बात को? तू है कौन? आवाज दीजिए, अगले फोन का इंतजार करना। हेलो, हेलो, निर्मल, निर्मल, निर्मल नहीं, जग्गू, जग्गू। एक आला रैंक के पुलिस ऑफिसर के परिवार के साथ हुए इस वाकये से पूरे इलाके में सनसनी थी। लोग इस केस को बड़ी हैरत से देख रहे थे। एक तरफ पुलिस की साक दांव पर थी तो दूसरी तरफ मुजरिम के हौसले पर भी लोग हैरान थे। क्या दिव्या के साथ हुए जुर्म के पीछे अमित की कोई पुरानी रंजिश थी या दिव्या की किसी करनी का फल था? समय के साथ साथ मामला गंभीर होता जा रहा था। पुलिस की टीम के लिए यह मजबूरी थी कि वो खुलकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। पूरे मामले का एकमात्र विटनेस प्रियांशु इस गहरे शौक में था और इस काबिल नहीं था कि पुलिस की कोई भी मदद कर सके। पुलिस इस मामले में काफी सतर्क थी। बोल, कहाँ छुपा के रखा दिव्या को? बोल, रमन करवा रहा ना है सब कुछ? बोल, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानता रमन कहाँ है। मार। फोन लगा अपने बॉस को, हंस रहा था ना उस दिन। बोल उन कायरों को कि मुझसे अगर लड़ना है तो सामने आकर लड़े। बोल सर,
सर सीसीटीवी फुटेज से किडनैपर्स का पता चल गया है, आप आइए मेरे साथ। सर ये देखिए, इस कार के जाने के बाद उस रूट पे ना कोई कार आई है ना गई है, सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर ही आए गए हैं। मुझे किसी भी कीमत पर इस कार के सारे डिटेल्स चाहिए। अपने नेटवर्क को अलर्ट करो, ये मुजरिम बचकर निकलना नहीं चाहिए। गेट इनटू एक्शन क्विक। सर चुप बेटा, क्या हुआ बेटा, डरो मत, पापा है ना आपके साथ, मम्मा को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं आपकी मम्मा को वापस लेकर आऊंगा। सो जा। लगता है तुम्हारे भेजे में सीधी बात घुसती नहीं है। दो दिन बस, दो दिन के अंदर मेरी डिमांड यदि पूरी नहीं की तो याद रखना बहुत पछताओगे। इस औरत का ऐसा हश्र करूंगा कि देखने वालों की आत्मा तक कांप जाएगी। हे! देख तू जो कोई भी है ना, तू ठीक नहीं कर रहा है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, बच जाएगा। हेलो, चलो नारियल पानी पीते। साम साम। काकी, एक अच्छा मीठा वेला पिलाइए मैडम को। वैसे एक बात तो है अमित, पुलिस की वर्दी में दबदबा तो बहुत है, वैसे कोई मुझे आंख उठाकर तक नहीं देख सकता। आई एम प्राउड टू बी अ पुलिस ऑफिसर्स वाइफ। अगर किसी ने नजर उठाकर देखने की हिम्मत की ना तो अपनी हिम्मत पर पछताएगा, और वैसे भी मेरे होते हुए किसी की मजाल जो तुम पर नजर डाल सके। सो तो है। काकी, मुझे भी पिलाइए। अरे रुकिए, इससे पियो ना, प्यार बढ़ता है। अच्छा।